अब विलंब मत कीजिए, अंत कर दीजिए इस अधर्मी का। भूतों का होगा भविष्य और संसार पर होगा हमारा राज। महारानी महारानी कुंदन काका, मैंने हनुमान के प्रिय सारे मिष्ठान बना लिए। और बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू? हाँ, कुंदन काका आपने बेसन के लड्डू नहीं बनाए? हनुमान को सबसे अधिक प्रिय बेसन के लड्डू है और आपने वही नहीं बनाए। शीघ्रता से जाइए और बेसन के लड्डू बनाइए। शिवा शिवा। महारानी। महाराज, हमारे हनुमान के ऊपर सारे संसार की रक्षा का दायित्व तो है। पता नहीं इस वर्ष वो आ भी पाएगा या नहीं। ये तो असंभव है कि माता पुकारे और हनुमान ना आए। संकट मोचन हनुमान की, अंजन पुत्र हनुमान की, अंजन पुत्र हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? प्रश्न तो यही है महारानी, धर्म की लंका में ये अधर्म कौन कर रहा है? भूतों का अब होगा भविष्य और संसार पर भूतों का होगा अब राज। हम है और ये हमारी प्रियतमा। तुम लीलासुर हो ना? वाह वाह विभीषण भैया वाह, बुद्धि अभी भी तीव्र है आपकी। अरे नहीं नहीं, महाराज विभीषण है, चाहे कुछ भी हो भूलते नहीं हैं आप। ना अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण की नाभि का अमृत, ना उनका सेनापति नीलासुर। किंतु तुम तो युद्ध के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो फिर? बस यूं समझ लो, जीवन हमें मिला नहीं और मृत्यु ने हमें अपनाया नहीं और हम बन गए प्रेत। और ये है हमारी प्रेत सेना और हम हैं इनके सब क्या हो रहा है हनुमान? क्या बात है माता? माता आप मुझसे रूठी हो? क्यों ना रूठू? 1 वर्ष प्रतीक्षा के पश्चात आए हो तुम। कोई अपनी माता से इतनी प्रतीक्षा करवाता है भला? तुम सही कह रही हो माता, भूल मेरी ही है। किंतु माता, क्या तुम अपने इस हनुमान को क्षमा नहीं करोगी? इधर देखना माता, माता तेरा हनुमान तुझसे क्षमा मांग रहा है। माता तुम्हारा मन अब भी बालक समान है हनुमान। माता मैं जो भी हूँ केवल आप लोगों के प्रेम के कारण हूँ। अगर माता और पुत्र का मिलन हो गया हो तो उसकी आरती भी उतार लो अंजनी। अवश्य अवश्य। माता आपने मेरी आरती तो उतार ली, किंतु प्रसाद, मेरा मतलब लड्डू। कभी कभी लगता है तुम अंजन प्रदेश अपनी माता से मिलने नहीं सिर्फ लड्डुओं के लिए आते हो। नहीं नहीं माता, मेरा कहने का अर्थ था कि बात यही है। चलो मेरे साथ। अवश्य माता, चलिए। हनुमान जी माता, इस तरफ। जी माता, आइए माता। हनुमान हम भी आते हैं। इस समय हम अपने मित्र हनुमान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे मार्ग से हट जाओ और पुनः वापस लौट जाओ। लौटने के लिए नहीं आया हूं मैं विभीषण। स्थापित होने आया हूं तुम्हारी इस धर्म लंका को प्रेत लंका बनाने आया हूं। लंका में धर्म स्थापित करने के लिए हमने बहुत बलिदान दिए हैं। अब अधर्म का वास नहीं होने देंगे हम लंका में। वध करोगे हमारा विभीषण प्रेत राज का? तो देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो और अंत कर दो इस अधर्मी का। तुम्हारी इस धर्म की लंका से सावधान। घर का बेटी लंका ढाए, छल किया था ना तूने हमारे महाराज रावण के साथ। अब उस छल का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा विभीषण। महारानी हनुमान, हमने तुम्हारे मित्र विभीषण को जीवन और मृत्यु के बीच में लटका दिया है, क्योंकि हमारा 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 प्रतिशोध अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पवन पुत्र हनुमान, यदि तुम समय पर नहीं आए तो तुम्हारे मित्र विभीषण का समय समाप्त। प्रेतो जाओ, ढूंढो हनुमान को और उसे भी बता दो कि उसका अंत भी अब समीप है। हनुमान, ये सब क्या हो रहा है हनुमान? कुछ नहीं माता। माता, आपके मुख पर केवल एक ही चिंता अच्छी लगती है, मेरे भोजन की। आप चिंता मत कीजिए माता। माता, पुत्र, ये कोई साधारण संकट नहीं है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, इस संकट का मैं समाधान अभी कर देता हूं। पिताश्री, आप इन सब लोगों का ध्यान रखिए। आप सभी मेरे साथ इस दिशा में आइए। अब तुम्हें एक प्रेत की पीड़ा का आभास होगा। यहां बल से नहीं, युक्ति से काम देना होगा। जय हनुमान। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? प्रेतराज? ये प्रेतराज कौन है? विभीषण, जैसे लंका दहन में हम सब लंका वासी चले थे, तैसे याद तुम्हारी पत्नी भी चलकर राख होगी मेरी प्रेत अग्नि से। यदि तुम मुझे अपराधी समझते हो तो मुझे दंड दो, किंतु मेरी पत्नी को छोड़ दो। अपनों के लिए प्रेम, त्याग, समर्पण। दोष तुम्हारा नहीं है विभीषण, दोष तुम्हारी आत्मा का है, जिसमें उस परमात्मा का वास हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वास हो गया है। तुम्हारे साथ जय श्री राम हो गया है। प्रियतमा, इनके शरीर से पहले इनकी आत्मा को शुद्ध करना होगा, तभी भूतों और प्रेतों का होगा भविष्य। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसकी आत्मा को मैं अपनी प्रेत माया से बदल ना सकूं। सामन जी, तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेतराज को देखिए। हनुमान जी, किष्किंधा में तो मुझे कोई भी संकट दिखाई नहीं देता। सत्य कहा आपने, और वैसे भी किष्किंधा में तो कोई प्रेत वास कर ही नहीं सकता। तो जामन जी, मित्र विभीषण अब तक नहीं आए। अवश्य ही ये संकट लंका से आया होगा। आप लंका देखिए। हनुमान जी, प्रतीत होता है लंका वासियों के जीवन पर किसी और ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया हो। मुझे अभी इसी क्षण लंका जाना होगा। मित्र विभीषण की सहायता करनी होगी इस संकट को समाप्त करने में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, यही तो उद्देश्य था प्रेत राज का, तुम्हें लंका बुलाना, और यही पर मेरा कार्य पूर्ण हुआ। चाहे मेरा जीवन ले लो, किंतु मेरी आत्मा का हरण मत करो। छोड़ दो मेरे पति को। तुम्हें यह आभास भी नहीं है तुम कितना बड़ा अधर्म करने जा रहे हो। अधर्म? अधर्म हम कर रहे हैं। हम अधर्म किया है। आपके महाराज विभीषण ने, इनके कारण आज संपूर्ण संसार में असुरों का नाश हो गया है। इसलिए अब विभीषण को ही बनना होगा असुर। प्रियतमा, विभीषण की आत्मा, वाणी और कर्म सब में केवल अधर्म का वास होना चाहिए। अधर्म का। ऐसा ही होगा प्रीतराज। के मिशन के रक्षक है हनुमान जी, वो तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। विभीषण पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रक्षक हैं। रक्षक उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं, उसी से लेना है हमें संसार के सभी असुर प्रेतों का प्रतिशोध। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। लंका वही स्थान जहां अधर्म और धर्म के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था, जब अधर्म का अंत कर मेरे प्रभु श्री राम ने इस संसार में धर्म की स्थापना की थी। परंतु आज उसी लंका में एक बार फिर अधर्म का अंकुर फूटा है। मुझे केवल यह देखना है कि कौन है जो यह अधर्म कर रहा है। पूरे नगर में एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गए सब के सब? अवश्य ही महाराज विभीषण के महल गए होंगे इस संकट का समाधान करने। मुझे देखना होगा। मित्र विभीषण, राज्य में इतना बड़ा संकट आया हुआ है और आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा, पवन पुत्र हनुमान अब आप फंस चुके हैं प्रेत राज के प्रेत जाल में। प्रेतराज, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें एक प्रेत की पीड़ा का आभास होगा। यहाँ बल से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जय श्री राम। यहाँ बल से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जय श्री राम।